नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पर एक बार फिर से देखा जाएगा कि रिया किस तरीका से पल्लवी को भड़काती हुई नजर आएगी। वहीं पे ही रणबीर अपनी दादी से शिकायत करेगा कि प्राची सबके लिए ठीक है, सबको काफ़ी पसंद आती है, लेकिन मेरे लिए क्यों ठीक नहीं है, मेरे से क्यों अच्छे से बात नहीं करती। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय जो कि रणबीर और प्राची में काफ़ी दरार आई हुई हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही रिया और बात की जाए आलिया की, तो इन दोनों में एक नया मशवरा होगा जो कि एक दूसरे को सपोर्ट तो कर ही रही हैं। इधर आलिया प्राची से एक सवाल पूछती हुई नजर आएगी कि आखिर तुम दोनों में एक सी चीज़ क्यों नहीं है, जिसके बाद में प्राची जो कि आलिया को जवाब देती हुई नजर आएगी कि हम दोनों एक ही माँ के संतान हैं, लेकिन समझ का फ़र्क रहा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि समझ का फ़र्क क्यों रहा है, क्योंकि प्राची ने हमेशा से ही सबके भलाई के लिए काम किया है। वहीं पर ही बात की जाए रिया की, तो रिया ने अपने स्वार्थ के अलावा कभी भी किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो अपकमिंग एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर एक बार फिर से जो कि घर से निकलने के लिए जो कि रिया पल्लवी से बोलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार तुम इसे अपने घर से निकाल क्यों नहीं देती, और जो कि पल्लवी से ये बोलती हुई नजर आने वाली है रिया कि अगर ये इस घर में रही तो ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इससे अच्छा है इसे यहाँ से निकाल दीजिए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड काफ़ी टूस्ट भरा देखने को मिलेगा, जब रणबीर की दादी खुद ये बोलती हुई नजर आने वाली है प्राची से कि प्राची अभी हमारा थोड़ा सा ये हो सकता है समय ख़राब हो, लेकिन तुम रणबीर से जो कि दूरियां मत बढ़ाओ, क्योंकि दूरियां बढ़ाने में फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस चीज़ में फ़ायदा है कि रिया इस घर से जाए और तुम इस घर में हमेशा हमेशा के लिए पल्लवी के साथ में रहो। लेकिन दोस्तों कहानी में आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि ट्विस्ट आना अभी बाकी है, जो कि अपकमिंग ट्विस्ट इस प्रकार से है कि रणबीर एक बार फिर से रिया से बोलेगा कि तुम इस घर से हो सके तो जाइए। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर गाइज मेरे YouTube चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।